हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज के सेशन में हम देखेंगे रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट सेशन तक हमने जितनी भी पार्ट्स किए दैट वाज रिलेटेड टू बायनोमियल थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम, एंड हम एक्सपेंशन कर रहे थे कुछ पर्टिकुलर चीजों का, और क्वेश्चंस जो थे प्रिडिक्टेड थे कि हाँ बाबा इतने ही आएंगे। ठीक है, आज का सेशन हम देखेंगे रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स होते हैं, हर क्यूबिक इक्वेशन को रूट्स होते हैं, ऐसे रूट्स रूट्स क्या होता है जो एक्चुअली वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो उसके सोल्यूशन है, राइट। तो आज जो हम देखेंगे वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के सोल्यूशन होने वाले, हम कैसे उसको निकालेंगे। तो जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम डायरेक्ट सोल्यूशन तो नहीं निकाल पाएंगे, हम एक जर्नल सोल्यूशन से ही स्टार्ट करेंगे। जर्नल अगर मैं कह रही हूँ तो हम कुछ भी चीज जर्नल बोल रहे हैं तो एन से स्टार्ट होती है, राइट। लेकिन यहाँ पे हम एन तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या डील करेंगे, के से, बिकॉज वी डोंट नो ना कि हमें कौन सा रूट निकालना है। फिर वो रूट निकालने के लिए हम रेस्पेक्टिव के की वैल्यूज डालते जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितना वो कहेंगे उतना हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब हम रूट से डील करेंगे तो अगेन वी विल यूज डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम इस हिसाब से हमें यूज करना है यहाँ पे कि चीजें हमें आंसर तक लेके जाएगी, मतलब कि डी मॉर्गन थ्योरम दस रिजल्ट्स फाइंडिंग आउट रूट्स। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रूट्स निकालना है तो डी मॉर्गन थ्योरम इज द की टुवर्ड्स स्टार्टिंग द सम। तो की अगर मैं उसको कह रही हूँ, मतलब ऑफ कोर्स जो हमारा सम है वो डी मॉर्गन थ्योरम से ही स्टार्ट होने वाला है। व्हाट इज डी मॉर्गन थ्योरम? अगर मैं आपको कह रही हूँ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू द पावर एन, तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या करेगा, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, मतलब कि क्या हो रहा है वहां पे, हमारा जो एन पावर था वो जो हमारा एंगल है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। एक चीज याद रखना, ये दो चीजों में फर्क है। अगर मैं आपको कह रही हूँ वो एंगल से मल्टीप्लाई होने वाला है, मतलब वो कॉस एन थीटा होगा, ठीक है। गलती से जब हम पावर के साथ डील करते हैं, जैसे कि अगर मैंने कहा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू वन अपॉन एन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कॉस थीटा बाय एन प्लस आई साइन थीटा बाय एन, इस हिसाब से होगा, ओके। तो यही चीज अभी हमें यहाँ पे भी डील करनी है, तो आ जाओ देखते हैं क्या है एक्चुअली। अब हमें पता है कॉस थीटा हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी, वी डोंट नो ना कि हमें कौन से थीटा की वैल्यू निकालनी, लाइक वी डोंट नो एक्चुअली कि हम कहाँ तक जा रहे हैं, कौन सा एंथ नंबर तक जा रहे हैं, राइट। तो हम क्या इसको कंसिडर करेंगे, 2k पाई, 2k, k कुछ भी हो सकता है, एनी इंटीजर 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। 2π अगर मैं कह रही हूँ तो 2π मतलब क्या होता है, कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट, जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाओगे, प्लस थीटा, प्लस थीटा, ये जो थीटा होने वाला है वो यहाँ पे प्लस, मतलब कि हम जर्नल प्लस जो एक्चुअल वैल्यू है। यहाँ पे अगर साइन थीटा की बात करूं तो साइन 2k π प्लस थीटा, ओके, वेयर k इज एन इंटीजर, एनीथिंग। अब हम डी मॉर्गन थ्योरम में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखो इस चीज के साथ डील करेंगे, दैट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 1 अपॉन n। अब आपने देखा होगा जब हमने z के रिस्पेक्ट में चीजें देखी थी तो वहां पे एक बार हमने n देखा था, एक बार रेस टू द पावर माइनस ऑफ n देखा था, तो वही चीज है यहाँ पे भी हमारे पास, लेकिन 1 अपॉन n इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखो हमने अज्यूम क्या किया, cos थीटा की वैल्यू ये पर्टिकुलर चीज कंसिडर की, तो हमने क्या कर दिया वहां पे सब्सटीट्यूट किया, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन 2k π प्लस थीटा, तो हमने क्या किया उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की और ये हमारा पावर 1 अपॉन n। उसके बाद अब क्या करोगे, डी मॉर्गन थ्योरम लगाओगे। डी मॉर्गन थ्योरम लगाने के बाद आपको पता है कि हमारा जो एंगल होता है, एंगल होता है उसके साथ हमारा वो पर्टिकुलर पावर वाला पार्ट आता है, यहाँ पे पावर कितना है 1 अपॉन n, तो हमारे पास जो एंगल है यहाँ पे देखो जितना एंगल है सिर्फ उसको ही अपॉन एन आने वाला है, तो 2k π + θ upon n। बच्चे कहाँ गलती करते, व्हाट दे डू इज कॉस ऑफ 2k π + θ upon n, ऐसा कर दोगे तो दिस इज डिफरेंट थिंग यार, इसको हमें एक ब्रैकेट में डालना है क्योंकि हमें ये चीज दिखानी है कि ये सिर्फ एंगल के साथ है, ठीक है। तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस साइन 2k π + θ upon n। अब यहाँ पे देखो ये जो k है उसकी वैल्यू हमने क्या बोली, इंटीजर है, तो हम क्या करेंगे, एक 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 बार इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 टिल n, और हम क्या करेंगे रेस्पेक्टिव वैल्यूज निकालेंगे। अब ये n कहाँ तक जाओगे, ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमें मैम कहाँ तक जाना है, n तो हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे जो सम दिया जाएगा, मैक्स टू मैक्स बोलू तो 6, पावर 6 होगी, मैक्स टू मैक्स की बात कर रही हूँ, जैसे कि n की वैल्यू मेरी 6 हो जाएगी, तो 1 अपॉन 6 इतना समझ लो, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको क्या करना है, जब n इज इक्वल्स टू 6 होगा, n इज इक्वल्स टू 6 होगा, मतलब कितने सोल्यूशन आने वाले, 6 सोल्यूशन आने वाले, ठीक है।
तो यानी कि आपको सिक्स सॉल्यूशन के लिए ऑफ कोर्स स्टार्ट कहां से हो रहा है, होल नंबर है हमारे पास, तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, जीरो से। तो जीरो, एक बार जीरो डालोगे, एक बार वन, एक बार टू, थ्री, फोर एंड फाइव। फाइव होने के बाद स्टॉप हो जाओ, क्यों, क्योंकि एक सॉल्यूशन आपको जीरो डाल के मिला, फिर वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स सॉल्यूशंस मिल गए, यानी कि हमें क्या करना है, ये पर्टिकुलर वैल्यूज डाल के हमें हमारे छह सॉल्यूशंस निकालने, छह तक सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, छह सॉल्यूशंस निकालने। अब आते हैं हम सम की और, नहीं सॉरी, कुछ एक नोट वाली पार्ट है हमारे पास कि आपको नोट करना पड़ेगा कि हम जनरली क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। समझो अगर आपको दिया गया है एक क्वेश्चन में वन, अगर वन दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पोलार फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पोलार फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ जीरो कितना होता है हमारे पास, वन होता है, राइट। और वही साइन ऑफ जीरो कितना होता है, जीरो होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करो, तो यानी कि यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, आई इंटू जीरो वन प्लस आई इंटू जीरो, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो ओनली, तो बचा कितना, वन बचा, राइट। यानी कि हमारे ये जो वन है उधर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये पर्टिकुलर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे पोलार फॉर्म में, दैट इज कॉस जीरो प्लस आई साइन जीरो। अगर मैं आपको कह रही हूँ मुझे माइनस ऑफ वन चाहिए, तो मेरा जब आप कॉस का कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखोगे तो पाए कॉस पाई पे कितना होता है, माइनस ऑफ वन होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, माइनस ऑफ वन के लिए कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, बिकॉज साइन पाई, साइन ऑफ पाई इज जीरो, तो अगेन यू विल गेट वैल्यू टू बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वन। अगर मुझे चाहिए आई, इक्वेशन के हिसाब से मुझे आई की वैल्यू पोलार फॉर्म में लिखनी है, अब हमें पता है कॉस ऑफ पाई बाय टू, कॉस ऑफ पाई बाय टू कितना होता है, मतलब कॉस ऑफ 90 डिग्री जीरो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, प्लस आई साइन पाई बाय टू, जीरो प्लस आई साइन पाई बाय टू कितना होगा हमारे पास, वन होगा, साइन 90 डिग्री इज वन ओनली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो प्लस आई, राइट। तो हमें वैल्यू मिल गई आई। अब अगर समझो मुझे चाहिए माइनस ऑफ आई, माइनस ऑफ आई कब होगा हमारे पास, जब यहाँ पे माइनस ऑफ आई पाई साइन पाई बाय टू लिखा। दूसरा अल्टरनेटिव अगर क्या होगा, कॉस पाई थ्री पाई बाय टू प्लस आई साइन थ्री पाई बाय टू, बिकॉज हमें पता है साइन थ्री पाई बाय टू कितना होने वाला है हमारे पास, माइनस ऑफ आई होने वाला है। अब नेक्स्ट आ जाओ, आई प्लस वन प्लस आई, ये बेसिकली तो पूछा नहीं जाता, लेकिन समझो पूछा गया तो हमें क्या करना है, ऑफकोर्स हमें पता है कि हमें पाई बाय फोर, जब हम वन के साथ डील करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो पाई बाय फोर के साथ जाएंगे, बिकॉज पाई बाय फोर की वैल्यू कितनी होती है, वन बाय रूट ऑफ टू, फॉर कॉस ऑल्सो एंड फॉर साइन ऑल्सो। हम बेसिकली यहाँ पे वन टू थ्री फोर रूल्स जो इसको यूज करेंगे, एंड आगे का तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, फाइंड द रूट, सॉरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमें क्या करना है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने। व्हाट इज यूनिटी, यूनिटी मतलब कि हमारे पास होता है वन, कभी भी हम यूनिटी के साथ डील करेंगे तो ऑलवेज रिमेम्बर वो कितना होता है, वन, चाहे मैट्रिक्स हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, या फिर चाहे कुछ भी, ओके। फिर यहाँ पे देखो, एक ओमेगा, वो जो डब्ल्यू टाइप दिख रहा है वो, उसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ओमेगा प्रोनाउंस करते हैं। इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आपको बोला है ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये चीज निकालनी है, ये निकालने के बाद आप ये वाले स्टेटमेंट में जम करोगे कि वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है या नहीं है। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट मतलब वन प्लस ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू जीरो, आपको ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी। क्या होगा, वन, फिर ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो फर्स्ट सोल्यूशन वन डाल के मिलेगा, सेकेंड सोल्यूशन, थर्ड सोल्यूशन, एंड हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि इसका समेशन जीरो है या नहीं। अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रूव दैट वन माइनस ओमेगा द होल रेस टू सिक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 27। अब हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होने वाला है, फाइंड करना है क्यूब रूट्स को। तो जब हम क्यूब रूट्स को फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक चीज को अज्यूम करनी पड़ेगी। क्या अज्यूम करोगे, एक्स क्यूब टू बी इक्वल्स टू वन, बिकॉज हमें अगर क्यूब रूट यूनिटी के साथ डील करना है तो हमें ऑफकोर्स यूनिटी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वन आ गया, ठीक है। अब हमने लास्ट वाले इसमें देखो, एक्स की वैल्यू, वन की वैल्यू कितनी है, कॉस जीरो प्लस आई साइन जीरो, तो आपको क्या करना है, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू कॉस जीरो प्लस आई साइन जीरो, ओके। अब ये क्यूब रूट है, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टू है हमारे पास, एट है समझो हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एट, राइट। अगर मैं इसको क्यूब रूट ना लिखते हुए मैं चाहती हूँ ये मेरे पावर में जाए, तो कैसे हो जाएगा, एट रेस टू द पावर वन बाय थ्री, राइट। तो यहाँ पे हमें वही चीज करनी पड़ेगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू, एक्स इज इक्वल्स टू कॉस जीरो प्लस आई साइन जीरो
रेस टू 1/3। अब देखो आपको एग्जैक्ट ये चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे, जैसे हमने लिखने की कोशिश की थी कॉस 0 प्लस आई साइन 0 रेस टू द पावर 1/3, सेम एग्जैक्ट आइडियल फॉर्म में हम जम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमें पता है हमने क्या अज्यूम किया था, कॉस ऑफ थीटा टू बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2k π प्लस थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है हमारे पास 0, तो फिर कॉस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2k π प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2k π, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ऐसे ही साइन का भी आएगा, तो x इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2k π प्लस i साइन 2k π रेस टू 1/3 हो गया। अब क्या करोगे, डी मॉर्गन थ्योरम लगा दो। तो डी मॉर्गन थ्योरम लगाने के बाद कैसे हो जाएगा, कॉस ऑफ 2k π/3 प्लस आई साइन 2k π/3, बाय थ्री डिनोमिनेटर में एंगल के साथ आ जाएगा, जैसे हमने एग्जैक्टली हमारे सैंपल वाले में देखा था। अब हमें एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या बोले थे कि हमें चाहिए रिस्पेक्टिव के की वैल्यू, एक 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 करके सब्स्टिट्यूट करके जाओगे तो वैल्यूज मिल जाएगी। यहाँ पे एन कितना है हमारे पास 3 है, मतलब हमें क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, के इज इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2, फर्स्ट सोल्यूशन, सेकेंड सोल्यूशन एंड थर्ड सोल्यूशन, हमें 3 सोल्यूशन तक जाना है। तो सबसे पहले के लिए हम क्या करेंगे, फॉर के इज इक्वल्स टू 0 हमें यहाँ पे क्या करना है, के इज इक्वल्स टू क्या डालना है, 0 डालना है। तो जब भी मैं यहाँ पे 0 डाल दूंगी, देखो यहाँ पे अगर मैंने 0 डाल दिया तो वैल्यू कैसे हो जाएगी, एक्स 0, मैं नोट कर रही हूँ इसको एक्स ऑफ 0 बिकॉज मैंने 0 डाला है, तो एक्स 0 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 0 प्लस आई साइन 0। अब हमें पता है साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 इंटू आई कितना होगा, अगेन 0, तो हमें ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बचा क्या, एक्स 0 विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ 0। अब कॉस ऑफ 0 अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट वैल्यू कितने मिल गई, 1 मिल गई। ये हो गया हमारा फर्स्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर के इज इक्वल्स टू 1, के इज इक्वल्स टू 1 डालोगे तो एक्स 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ, अब के इज इक्वल्स टू 1 अगर मैं डाल रही हूँ तो 2 इंटू 1 इंटू पाई हो जाएगा, यानी कि कितना होगा 2π/3, राइट, प्लस आई साइन 2π/3। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 हमें मिल गया x नॉट, ये हमें मिल गया x1, तो हमें इसको नाम क्या देना है, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2π/3 प्लस से या देयरफॉर या फिर लेट, आपको जो अज्यूम करना है आप यहाँ पे अज्यूम कर लो। फिर उसके बाद फॉर k इज इक्वल्स टू 2, k की वैल्यू कितनी कर दी मैंने, 2 कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × π दैट इज इक्वल्स टू 4π/3, तो x2 विल बी इक्वल्स टू कॉस 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, ओमेगा स्क्वायर मुझे चाहिए, कैन आई स्प्लिट दिस 4 × 2 × 2, यही तो हमने किया था ना 2 × 2, तो यहाँ पे अगर मुझे ओमेगा स्क्वायर में लिख रही हो, यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट में लिख रही हूँ, कॉस ऑफ 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3 होल रेज टू द पावर 2। अब पूछोगे मैंने ऐसा कैसे लिखा, राइट, जाहिर सा क्वेश्चन है। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसके ऊपर डी मॉर्गन थ्योरम लगाओ, डी मॉर्गन थ्योरम के हिसाब से ये मेरा एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा, 2 × 2 π 4π/3, वही चीज तो यहाँ पे भी है। मैंने क्या किया, मैंने मेरा ओमेगा स्क्वायर लाने के लिए ऐसा इसमें एडजस्टमेंट किया, ऐसा इसमें पावर लिया कि डी मॉर्गन थ्योरम लगाने के बाद भी हमें यही चीज मिल रही। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब देखो 1, 2 और 3 सोल्यूशन मिल गए, अब ये वाले स्टेटमेंट में मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना है, इसको इस तरफ शिफ्ट करते और यहाँ पे आ जाते। नाउ लेट अस ऐड, ये तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 + ω² टू बी इक्वल्स टू 1 + ω की वैल्यू कितनी है, कॉस ऑफ 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी है, सॉरी फॉर दैट, कॉस ऑफ 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3 होल स्क्वायर, हम स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, राइट। अब ये हमें मिल गया,
अब देखो वहां पे हमारे पास कितना है, पावर में है 2, तो अब हम क्या करेंगे इसको डिमोवेस लगा देंगे, अगेन इट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3 प्लस डिमोवेस लगाने की बात क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3। अब बोलोगे मैम फिर आपने ये स्टेप किया ही क्यों, राइट, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, लेकिन शो करना तो जरूरी है ना कि हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअली कैसे ली, वरना आपको फाइनल स्टेटमेंट, इफ यू वांट टू डायरेक्टली एक्स टू जो है उसको अज्यूम कर लो कि इट इज ओमेगा स्क्वायर, और अगर शो करना है तो ऐसे शो करके कर सकते हो, ये एक मैंने वे बताया। फिर उसके बाद अब देखो ये टर्म देखो और ये टर्म देखो, इसमें कोई हमें ऑपरेशन नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें ऐसे मॉडिफिकेशन करो कि इसका एंगल में हम क्या कर सके, नेसेसरी चेंजेस ला सके, जैसे कि 1 तो हमारा एज इट इज रहने वाला है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कैन आई चेंज दिस कॉस 2π/3, यस आई कैन चेंज, कैसे चेंज करोगे, तो इसमें अगर मैं अलाइड एंगल का हमारा कॉन्सेप्ट लगाती हूँ तो मुझे कितना चाहिए 2π/3 चाहिए, राइट, तो ये 2π/3 लाने के लिए कैन आई राइट पाई माइनस पाई बाई थ्री, मैंने क्या कर दिया स्प्लिट किया, ऐसे स्प्लिट किया कि इसको रैशनलाइज करें तो कितना आएगा 3π - π/3 दैट इज इक्वल्स टू 2π/3, मतलब ये जो पर्टिकुलर एंगल है मैं उसको इस हिसाब से लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई थ्री, सेम प्रकार से इसको लिख दो आई साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री, नेक्स्ट पॉजिटिव कॉस 4π/3, अब मुझे 4π/3 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ साइन चेंज करना है, क्यों, अगेन देखो इसको रैशनलाइज करने जाओगे तो क्या होगा पाई 3π + π/3 दैट इज इक्वल्स टू 4π/3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई प्लस पाई बाय थ्री, अलाइड एंगल्स का हमारा कॉन्सेप्ट, प्लस आई साइन पाई प्लस पाई बाय थ्री। अब नेक्स्ट आ जाओ हम क्या करेंगे इसके अंदर, अलाइड एंगल के हिसाब से जब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में पाई माइनस, ये मेरा पाई है, अगर मैं माइनस कह रही हूँ मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में जा रही हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली माइनस की साइन आ जाएगी। अब यहाँ पे पाई है तो याद रखना जब भी एन पाई होता है तो कोई सॉर्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंजेस नहीं होते, लेकिन अगर एन पाई बाय टू होती है तो अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि यू नीड टू चेंज साइन टू कॉस एंड वाइसे वर्सा, आपको कॉस है तो साइन में चेंज करना पड़ेगा, साइन है तो कॉस में, ऐसे ही सेक है तो कोसेक में, कोसेक है तो सेक में, टैन है तो कॉट में, कॉट है तो टैन में, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा साइन में चेंज नहीं होगा, सॉरी हमारे पास पाई है तो एज इट इज कॉस बचेगा और थीटा कितना है पाई बाय थ्री। अब ये पूछोगे कि हमने अलाइड एंगल्स में जंप क्यों किया, देखो सारे एंगल्स डिफरेंट थे, राइट, वी हैड पेयर ऑफ टू एंगल्स, हमें उसके साथ डील नहीं करना, हमें क्या करना पड़ेगा एक ही एंगल लेके सॉल्व करना है। फिर उसके बाद पॉजिटिव, यहाँ पे देखो आई साइन पाई माइनस पाई बाय थ्री, अगेन साइन हमारा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जहां पे वो पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू कितनी आने वाली है पॉजिटिव आई साइन पाई बाय थ्री। अब यहाँ पे आ जाओ, अब पाई प्लस पाई बाय थ्री अगर मैं कह रही हूँ पाई प्लस, तो मुझे कहाँ जाना है पाई से और एडिशन में जा रही हूँ, मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव ऑफ कॉस पाई बाय थ्री, बिकॉज कॉस विल रिमेन कॉस ओनली, बिकॉज पाई है तो चेंजेस नहीं होता, अगेन माइनस आई साइन पाई बाय थ्री, ये नेगेटिव पार्ट ये पॉजिटिव पार्ट कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास 1 माइनस माइनस कॉस पाई बाय थ्री, माइनस कॉस पाई बाय थ्री विल बी इक्वल टू माइनस 2 कॉस पाई बाय थ्री, राइट। अब पाई बाय थ्री कॉस पाई बाय थ्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास कॉस ऑफ 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2 × 1/2, 2 गेट्स कैंसिल, बचा कितना 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। हमें एक्चुअली अगर वो यूनिटी था, हमें फाइंड करना था ना, तो हमने ये स्टेप प्रूव कर दिया। अब उन्होंने क्या कहा था, प्रूव करने के बाद हमें उन्होंने कहा था कि यू नीड टू फाइंड 1 - ω द होल रेज टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू -27, हमें ये उन्होंने प्रूव करने बोला था, लेट अस प्रूव दैट स्टेप। अब आया क्या हमारे पास 1 + ω + ω² इज इक्वल्स टू 0, जो हमने प्रूव किया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करते हैं, कैसे, सपोज आई एम ये जो मेरा ओमेगा है इसको इस तरफ लेके जा रही हूँ, तो वन
माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा। अब ये क्यों किया ये आपको समझेगा, हमें प्रूफ करने क्या बोला इन्होंने, वन माइनस ओमेगा द होल रेज टू द पावर सिक्स, राइट। अब इसको लेने के लिए मैं क्या करूंगी, वन माइनस ओमेगा द होल स्क्वायर रेज टू क्यूब, मैं ऐसे लिख सकती हूँ बिकॉज इसके पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड टू इंटू थ्री इज सिक्स, यानी कि मैं ऐसे लिखती हूँ। अब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा रिजल्ट करेगा, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर वन स्क्वायर माइनस टू वन इंटू ओमेगा प्लस बी स्क्वायर दैट इज ओमेगा स्क्वायर, इसका हमें क्या लेना है क्यूब रूट लेना है, तो हमें लिखना पड़ेगा। अब वन यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, वन माइनस सॉरी वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी डाली है माइनस ऑफ ओमेगा, तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर है, सब्स्टिट्यूट करो तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस टू ओमेगा इज इक्वल हमें मिल गया। अब उसकी वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ ओमेगा, तो यहाँ पे माइनस ऑफ ओमेगा माइनस ऑफ टू ओमेगा द होल क्यूब दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ थ्री ओमेगा द होल क्यूब, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस ऑफ थ्री द होल क्यूब एंड ओमेगा क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, माइनस नेगेटिव नंबर का क्यूब लोगे तो क्या होगा, नेगेटिव ही रिजल्ट देगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 27। अब क्यूब रूट ऑफ ओमेगा, क्यूब रूट ऑफ ओमेगा हमने प्रूव कर दिया ना, वो क्यूब रूट कितनी है, यूनिटी है, यानी कि यूनिटी मतलब क्या होगा, क्यूब रूट ओमेगा क्यूब विल बी इक्वल्स टू वन, यही हमारा स्टेप नंबर वन भी था, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वन, यही से इनिशियलाइज किया था बिकॉज हमने पढ़ा है कि हमारा जो क्यूब रूट होगा यूनिटी का वो क्या होता है वन होता है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे लिख दोगे वन दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 27। यहाँ पे वही चीज उन्होंने प्रूव भी करने बोली थी, बस एक यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, क्यों सब्स्टिट्यूट किया, बिकॉज हमने इसे इस हिसाब से स्प्लिट किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हुआ जहां पे हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से जो प्रूफ की थी वहां से डाल दी। इसके लिए उन्होंने हेंस ये जो दिख रहा है प्रूफ दैट, ये प्रूफ होता अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो प्रूफ हुआ तो ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते, अगर स्टेप नहीं प्रूफ हुआ तो मतलब आपने कहीं पे तो भी गड़बड़ कर दी है। अब नेक्स्ट हम देखो हमारे पास एज इट इज सेम है, इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इफ है क्या देखो, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ क्यूब यूनिटी मतलब प्रूफ करना है तो यहाँ पे क्या होगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर टू बी इक्वल टू जीरो, जो हमने जस्ट प्रूफ किया सेम वही पार्ट आपको करना है वापस से ये सम के अंदर। अब ये प्रूफ होने के बाद फर्स्ट स्टेप ये प्रूफ करना है, सेकेंड सीक्वेंस में जाना, सेकेंड क्या प्रूफ करने बोला है कि पर्टिकुलर कुछ रेशियो में पार्ट दिया। अब यहाँ पे देखो हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहां तक आपको वो जो सम है ना, जो हमने नेक्स्ट सम देखा उसके अंदर इतना जो पार्ट है हमारा वो कांस्टेंट है, आपको क्या करना है वापस से लिखना है, दैट्स ऑल, इतना पार्ट वापस होने वाला है वो वाले सम में भी, और उसके आगे मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का वेटेज अगर देखा जाए, अगर सिक्स मार्क्स का है तो फोर मार्क्स का आपका वो पर्टिकुलर ग्रीन वाला पार्ट है एंड टू मार्क्स का इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमने लास्ट सम के हिसाब से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो इसको लिख लो। नेक्स्ट वन अपॉन वन प्लस टू ओमेगा प्लस वन अपॉन टू प्लस ओमेगा माइनस वन अपॉन वन प्लस ओमेगा, लेट अस कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, सबके पास वो पर्टिकुलर पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसके डिनोमिनेटर में वन प्लस टू ओमेगा है लेकिन ये और ये पार्ट नहीं है, तो अगर मुझे उसको ये चीज देनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर सिंपल एंड ईजी वे में बोलू तो आपको क्या करना है, जिसके पास जो चीज नहीं है उसको वो खिलानी है, जैसे कि यहाँ पे क्या नहीं है, ये दोनों टर्म्स नहीं है तो बस उसके न्यूमरेटर में वो दोनों टर्म्स दे दो उसको। ये पर्टिकुलर मिडिल जो है हमारे उसके पास क्या नहीं है, ये दोनों टर्म्स नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे वो दोनों देना है। अब ये लास्ट वाले के पास क्या नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो माइनस वन प्लस टू ओमेगा टू प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय, अब तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस से, अब नीचे इज इक्वल्स टू, इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करो, टू इंटू वन टू प्लस टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे वन प्लस टू ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस की साइन है इसके लिए इसको एक ब्रैकेट डाल दिया, टू प्लस ओमेगा प्लस टू फोर ओमेगा प्लस
टू ओमेगा स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट है, माइनस की साइन है, तो सारी साइंस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो वो लिख लेते हैं, अब कैसे चेंज होगी, ये ब्रैकेट हटा के, ये प्लस है तो कितना होगा, माइनस होगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस एंड माइनस। डिनोमिनेटर को हम एज इट इज रख देते हैं। अब इसको हम ओपन कर सकते हैं बिकॉज हमने साइन से तो मस्ती कर ली है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, टू है पॉजिटिव, नेगेटिव, टू ओमेगा प्लस ओमेगा थ्री ओमेगा, थ्री ओमेगा प्लस फोर ओमेगा हो गया, फाइव एंड सिक्स ओमेगा माइनस फोर ओमेगा, हमें कितना मिल जाएगा, माइनस ऑफ टू ओमेगा। तो इसको धीरे धीरे करके लिखते, पहले डिनोमिनेटर लिखते, अब आते हैं यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, बचा सिर्फ ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास वन है। अब आ जाओ, टू ओमेगा प्लस ओमेगा थ्री ओमेगा, थ्री ओमेगा प्लस ओमेगा फोर ओमेगा प्लस टू ओमेगा मतलब सिक्स ओमेगा हो गया, सिक्स ओमेगा के बाद माइनस ओमेगा मतलब फाइव ओमेगा हो गया, फाइव ओमेगा के बाद हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ फोर ओमेगा, तो कितना हो जाएगा, हमें न्यूमरेटर में एक ओमेगा बच जाएगा, हमें इसको हटाना है। अरे इज इक्वल्स टू वन बचा था प्लस एक ओमेगा बचा था, पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर अपॉन वन प्लस टू ओमेगा, टू प्लस ओमेगा एंड वन प्लस ओमेगा। अब जो फर्स्ट स्टेप था उसमें हमने क्या कर लिया था, प्रूफ कर दिया था कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर टू बी इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो अपॉन ये पर्टिकुलर डिनोमिनेटर, राइट। अब जीरो अपॉन एनी थिंग, जीरो अपॉन एनी थिंग इज इक्वल्स टू जीरो ओनली, राइट, वी नो दिस फंडा ना, जब हम वन डिवाइडेड बाई जीरो करते हैं, एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज इन्फिनिटी, बट एनीथिंग सॉरी जीरो अपॉन एनीथिंग इज वॉट, जीरो ओनली। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमारा फाइनल स्टेटमेंट टू बी इक्वल्स टू जीरो, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ का राइट हैंड साइड, एंड वी हैव प्रूव्ड आवर सम। अब नेक्स्ट देखो, सॉल्व एक्स रेज टू सिक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये पर्टिकुलर सम में आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन एक्स रेज टू सिक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, अब ये वन को उस तरफ शिफ्ट कर दो तो एक्स रेज टू सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वन। अब माइनस ऑफ वन को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस ऑफ वन के लिए हमने एक फंडा देखा था, कॉस ऑफ पाई प्लस वो जो नोट वाला फॉर्मूला था उसको ध्यान में रखो। अब यहाँ पे एक्स रेज टू सिक्स है, तो अगर मुझे एक्स चाहिए तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई प्लस आई साइन पाई रेज टू द पावर वन बाय सिक्स हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप क्या करोगे, हमें पता है हमें कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2k पाई प्लस थीटा, राइट। तो यहाँ पे थीटा कितना है, तो कॉस ऑफ पाई विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2k पाई प्लस पाई, मैं इसमें से पाई कॉमन ले सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2k प्लस 1 इंटू पाई। अब यही साइन के लिए कर दो, तो साइन ऑफ पाई विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ 2k पाई प्लस थीटा, मतलब कि पाई थीटा कितना है, पाए है हमारे पास, यहाँ पे देखो कंपेयर करना है, दैट्स ऑल। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसमें से पाए निकाल दो तो 2k प्लस 1 पाए। अब आपको क्या करना है, ये वाला और ये वाला दोनों को उठा के यहाँ पे लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2k प्लस 1 पाए प्लस i साइन 2k प्लस 1 पाए, और हमें पावर कितना बोला है, 1 बाय 6। अब क्या करोगे, बाय डी मॉर्विस थ्योरम, डी मॉर्विस थ्योरम हमें क्या कहता है, डी मॉर्विस थ्योरम बोलेगा x इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2k प्लस पाए 2k प्लस पाए 1 पाए बाय 6। आपको क्या करना है, बस ये जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस i साइन 2k प्लस 1 पाए बाय 6. This is just because हमने क्या apply किया, De Morgan's theorem, और ये 1 upon n था, तो वो angle के साथ क्या आ जाएगा, division में आ जाएगा, तो मैंने उसको कहाँ दे दिया, pi के पास दे दिया, that's all. अब इन्होंने आपको क्या बोला है, sixth power निकालने के लिए, मतलब कि कितने solution होने वाले, 6 solution होने वाले, start किधर से होगा, 0 से 4 and 5, आपको इधर तक जाना है, मतलब सबसे पहली value क्या होगी, for k is equals to 0,
तो k इज इक्वल्स टू जीरो डाल दो तो क्या होगा, 2 इंटू जीरो प्लस 1, तो क्या होगा 2 इंटू जीरो इज जीरो ओनली प्लस 1, तो कितना होगा cos ऑफ पाई बाय 6, x0 विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ पाई बाय 6 प्लस i sin पाई बाय 6. Now, pi by 6 कितना होता है 30 डिग्री होगा हमारे पास, तो cos of 30 degree is root 3 by 2, so this is equals to root 3 by 2 plus i, sin of 30 degree is 1 by 2, first root हमें मिल गया. Next, for k is equals to 1, अब k is equals to 1 डाल दो तो क्या होगा 2 into 1 that is equals to 2, 2 plus 1 is 3, 3 pi by 6, तो डिनोमिनेटर में 6 है, न्यूमरेटर में 3 है, तो क्या होगा 3 1 जा 3 2 जा, यू विल गेट एक्स जीरो एक्स वन इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2. नाउ कॉस ऑफ पाई बाय 2, कॉस ऑफ 90 डिग्री इज ऑलवेज 0, तो हमें क्या मिल जाएगा 0 प्लस I sin pi by 2, sin pi by 2 1 होता है, तो I into 1 will be equals to I only, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा I. Next, for k is equals to 2, x2 will be equals to, k is equals to 2, तो 2 into 2 is 4, 4 plus 1 is 5 pi by 6, तो cos 5 pi by 6 plus I sin 5 pi by 6. अब अगेन लाइट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट नो 5 पाई बाय 6 कितना होता है. अगर कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से यूज करके कर रहे हो तो भी चलेगा, बट लाइट एंगल का यूज करो, दैट इज मोर बेटर. तो यहाँ पे अगर मुझे 6 चाहिए, सॉरी 5 चाहिए, हमारे पास 6 है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे पाई माइनस पाई बाय 6 कर दो, तो क्या होगा 6 पाई माइनस पाई बाय 6 कितना होता है 5 पाई बाय 6 ही होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे is equals to cos of pi minus pi by 6 plus I sin pi minus pi by 6. ये कितना हो जाएगा हमारे पास cos of pi minus, मतलब second quadrant में cos क्या होता है negative होता है, तो negative of cos of pi by 6 plus sin positive होता है, तो I sin पाई बाय 6. अगेन कॉस ऑफ पाई बाय 6 कितना होता है हमारे पास कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री इज माइनस रूट 3 बाय 2 प्लस आई साइन 30 डिग्री इज 1 बाय 2, तो ये हो गया हमारा थर्ड रूट. अब आते हैं फोर्थ रूट के ऊपर, तो फॉर k इज इक्वल्स टू 3, k इज इक्वल्स टू 3 डाल रही हूँ तो क्या हो जाएगा 6, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, 6 प्लस 1 इज 7, 7 पाई बाय 6, तो हमें x3 cos of 7 pi by 6 plus I sin 7 pi by 6. अब 7 pi by 6 को अलाइड एंगल के फॉर्म में अगर मैं लिख रही हूँ तो मुझे कैसे मिलना चाहिए आंसर, यहाँ पे कैसे हम अलाइड एंगल के हिसाब से उसको स्प्लिट करेंगे, अगर मैं पाई प्लस पाई बाय 6 कर रही हूँ. अब जजमेंट कैसे लोगे, डिनोमिनेटर में 6 है, हमें एक ऐड करना है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा पाई को एक ऐड करूंगी, तो ये रैशनलाइज कर दोगे तो 6 पाई प्लस पाई दैट इज इक्वल्स टू 7 पाई बाय 6, तो हम यहाँ पे रिप्लेस करके क्या लिखेंगे cos ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6. अब हमें पता है कि हमारा जो एंगल है वो कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम पाई प्लस सम सर्टेन एंगल, मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं जहाँ पे cos और sin दोनों नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ऑफ cos पाई बाय 6 माइनस I sin pi by 6. अब देखो sin pi by 6 अगेन वी आर डीलिंग विद 30 डिग्री ओनली, यहाँ पे माइनस ऑफ रूट 3 बाय 2 माइनस I 1 बाय 2, ये हो गया हमारा x3. अब चलते हैं x4 के ऊपर एंड देन x5 लास्ट. हमें क्या करना है फॉर k इज इक्वल्स टू 4, फॉर k इज इक्वल्स टू 4, 2 इंटू 4 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, तो x4 विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ 9 पाई बाय 6 प्लस i sin 9 पाई बाय 6. नाउ 9 एंड 6 है तो 3 सा एंड 3 2 सा, तो 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, तो cos ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस i sin 3 पाई बाय 2. अब मुझे बताओ 3 पाई बाय 2
जब भी मैं 3π/2 की बात कर रही हूँ तो वो 90 डिग्री के एकदम अपोजिट वाला 270 डिग्री कितना होता है, 3π/2 होता है। मतलब cos ऑफ 3π/2 कितना होने वाला है हमारे पास, जीरो ही होने वाला है, बिकॉज cos ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, जीरो होता है। तो ये तो जीरो हो गया। नेक्स्ट I sin 3π/2, ये साइन हमारा 90 डिग्री पे कितना होता है, 1 होता है। तो एकदम अपोजिट रिफ्लेक्शन में जाएगा, मिरर इमेजिंग में जाएगा, तो कितना होगा, माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, I इंटू माइनस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ I। अब नेक्स्ट आ जाओ लास्ट वन पे, दैट इज फॉर K इज इक्वल टू 5, एक्स 5 विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ, देखो कि अगर मैंने 5 डाला तो 2 इंटू 5 इज 10, 10 प्लस 1 इज 11 पाई, 11π/6 प्लस I sin 11π/6। अब इसको कैसे लिखोगे, तो इसको लिखने के लिए अब हम स्प्लिट कर देते हैं। कैसे करोगे इसको, तो पाई हमारे पास है, पाई बाय सिक्स है हमारे पास। अब इसमें ऐसे एडजस्टमेंट करने की हमें 11 चाहिए, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, 2π - π/6 कर सकते हैं। क्यों ऐसा किया, तो यहाँ पे देखो 2π मतलब कि 6 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में 6 चाहिए। तो क्या होगा, 12π - π कितना होता है, 11π/6। तो मैं उसे कैसे लिख सकती हूँ, कॉस ऑफ 2π - π/6 प्लस आई साइन 2π - π/6। अब यहाँ पे देखो एक चीज है, समझो आपको ये चीज क्लिक नहीं हो रही इमीडिएटली, अलाइड एंगल्स किसी किसी को नहीं समझ में आता, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट यू कैन डू इज, ये लिख दो, फिर उसके बाद ये लिख दो, मतलब जर्नलाइज तक ज्यादा वैल्यू नहीं भी लिखी ना तो भी चलेगा, चलता है। नेक्स्ट समझो हम देखेंगे, उसके अंदर हम वैल्यूज नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो कैसे हो जाएगा, अलाइड एंगल लगाओगे, अगेन चेंज नहीं होगा, 2π - बोला है, मतलब कि हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, ये वाले क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। यहाँ पे कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस पाई बाय सिक्स प्लस सॉरी माइनस आई साइन, बिकॉज साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस आई साइन पाई बाय सिक्स। पाई बाय सिक्स मतलब अगेन वी आर डीलिंग विथ 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3/2 माइनस आई 1/2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, और ये हो गया हमारा, बहुत सारे आंसर्स आए देखो हमारे पास, एक ये है, फिर अंडरलाइन कर देते हैं, फर्स्ट ये वाला, सेकंड है हमारे पास ये वाला, थर्ड ये वाला, फोर्थ ये, फिफ्थ एंड देन ये सिक्स्थ। तो यहाँ पे देखो एक हमें मिल गया पॉजिटिव आए और एक हमें मिल गया नेगेटिव आए, तो हम कैसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए। अब नेक्स्ट देखो, रूट 3/2 प्लस आई बाय टू, उसके बाद माइनस रूट 3/2 प्लस आई बाय टू, मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस आई बाय टू, ये एक हो गया। नेक्स्ट अगर आपको इसको ऐसे नहीं लिखना है, हमारे पास एक और ऑप्शन रहता है, रूट 3 प्लस और माइनस आई बाय टू, एक ये हमें मिल गया, एक ये वाला टर्म है, एक ये वाला टर्म है, एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है, ओके? तो यहाँ पे ये दोनों क्लियर हो गए हमारे पास, प्लस और माइनस। अब बचे ये दोनों लिखने हैं हमें, हमें तो अगेन आप नोटिस करोगे, तो माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3 प्लस और माइनस आई बाय टू, आपको ये हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस हिसाब से हमें हमारे 6 रूट्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा सम कॉम्प्लिकेटेड था, बट अगर आप इसको सही से सॉल्व करके अंडरस्टैंड करोगे तो समझ में आएगा। अगर ये स्टेप नहीं भी लिखा तो चलता है, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, दस द रूट्स आर द फॉलोइंग 6। अब यहाँ पे देखो हमारे पास नेक्स्ट सम है, जहाँ पे एक्स रेस टू 6 माइनस आई, द लास्ट सम देखा दैट वॉज एक्स रेस टू 6 प्लस 1 या माइनस 1, राइट? अब हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस ऑफ आई, तो अगेन इसको आप कैसे लिखोगे, बहुत गंदी लाइन थी है। यहाँ पे देखो एक्स रेस टू 6 माइनस आई इज इक्वल्स टू 0, दैट इज एक्स रेस टू 6 इज इक्वल्स टू 0 प्लस आई, दैट इज एक्स रेस टू 6 इज इक्वल्स टू आई। अभी आई को मुझे पोलार फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस आई साइन पाई बाय टू। क्यों ऐसे लिखा मैंने, बिकॉज वी नो साइन पाई बाय टू इज 1 एंड कॉस पाई बाय टू इज 0, तो बचा कितना, आई ही बचा, इसके लिए मैंने उसको ऐसे लिख दिया एक्स रेज टू 6। अब ये एक्स कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाय टू
प्लस आई साइन पाई बाय टू रेस टू द पावर 1/6, जैसे हमने सारी चीजें की थी। अब हमें पता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2k पाई प्लस थीटा, देयरफॉर कॉस ऑफ पाई बाय टू विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2k पाई प्लस पाई बाय टू। अब लास्ट वाले सम में तो हमने इजीली पाई को कॉमन निकाल लिया था, लेकिन यहाँ से निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड अगर हम 2 से कर दे रहे तो कैसे हो जाएगा, क्यों करेंगे, बिकॉज वी नीड पाई बाय 2 दोनों टर्म्स के पास, तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 4k पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। अब हम इसमें से पाई बाय 2 बाहर निकाल सकते हैं इजीली, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे 4k प्लस 1 पाई बाय 2, एज सिंपल एज दैट। अब चलते हैं नेक्स्ट साइन के पास, साइन के पास भी सेम ही आएगा ऑफ कोर्स, साइन 4k प्लस 1 पाई बाय 2 होने वाला है, तो वो पार्ट आप लिख लो यहाँ पे। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके अंदर, तो एक्स विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ 4k प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस आई साइन 4k प्लस 1 पाई बाय 2, और पावर कितनी दी गई है 1/6। ओके, अब हम क्या करेंगे, बाय डी मॉर्गन थ्योरम एक्स विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ 4k प्लस 1 जो हमारा एंगल है पाई बाय 12। क्यों पाई बाय 12, बिकॉज 2 इंटू 6 हो जाएगा, एंगल के साथ हम देते ना तो वो कैसे हो जाएगा, इस हिसाब से हो जाएगा, तो पाई इंटू 1 इज पाई ओनली एंड 2 इंटू 6 इज 12। हम इसको क्या कर देंगे, पाई बाय 12 प्लस आई साइन 4k प्लस 1 पाई बाय 12। अब नेक्स्ट थोड़ा सा हैंडराइटिंग ऐसे जा रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें हमारे रिस्पेक्टिव रूट्स निकालने, यहाँ तक तो हम पहुंच गए, अब रूट्स निकालने 6, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक हमें जाना है। तो सबसे पहले हम चलते फॉर k इज इक्वल्स टू 0, k इज इक्वल्स टू 0 के लिए x 0 कितना हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 0 डाल रहे, तो 4 इंटू 0 इज 0 ओनली, तो बचा कितना हमारे पास cos ऑफ पाई बाय 2 12 प्लस आई साइन पाई बाय 12। एक निकालना ना तो दूसरे की वैल्यू एज इट इज सेम ही रहने वाली, बिकॉज एंगल सेम है, तो यहाँ पे 0 डाल दोगे तो 4 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 इज 1, तो 1 इंटू पाई बाय 12 इज पाई बाय 12। अब इसको देखो कॉम्प्लिकेट है इसको हैंडल करना, राइट, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे हाथ नहीं लगाएंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूट, ये हमारा हो गया फर्स्ट रूट। अब चलते हैं k इज इक्वल्स टू 1, x1 will be equals to cos of k is equals to 1 डाल दिया तो कितना हो जाएगा 5, k into 1 कर दिया तो हमारे पास k अगर 1 हो रहा है तो 4 into 1 is 4, 4 plus 1 is 5, तो 5 pi by 12 plus I sin 5 pi by 12, ये हो गया second। next k is equals to 2, x2 will be equals to cos of k is equals to 2 डाल दोगे तो 2 into 4 is 8, 8 plus 1 is 9, तो 9 pi by 12, this is अपना third root। ओके, इसको चाहिए तो 3 1 जा 3 3 जा 3 4 जा आप कर सकते हो। next for k is equals to 3, x3 will be equals to cos of 4 into 3 is 12, 12 plus 1 is 13 pi by 12 plus I sin 13 pi by 12, ये हो गया फोर्थ रूट। अब आ जाओ for k is equals to 4, तो x 4 will be equals to cos of, अगर मैं यहाँ पे 4 डाल रही हूँ तो 4 into 4 is 16, 16 plus 1 is 17 pi by 12 plus I sin 17 pi by 12, ये हो गया फिफ्थ सोल्यूशन। यहाँ पे मैं सिक्स सॉल्यूशन लिख देती हूँ, फॉर k इज इक्वल्स टू 5, अगेन 4 इंटू 5 इज 20, 20 प्लस 1 इज 21, तो x 5 विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ 21 पाई बाय 12 प्लस आई साइन 21 पाई बाय 12। तो हमें हमारा 6 सॉल्यूशन जो थे अलग अलग प्रकार के मिल गए, थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, बट आप इसको क्या कर सकते हो, हैंडल इजीली कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो अगेन यहाँ पे 3 7 3 4 कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे मत कर देना, और कहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे 4 जा
सेवन जा फोर जा, तो आपको कितने आंसर मिले? एक आंसर ये है, फाइनल स्टेटमेंट में अगर आंसर लिखोगे तो कैसे आएगा? फाइनल स्टेटमेंट, दस द रूट्स आर कॉस ऑफ आई बाय ट्वेल्व प्लस आई साइन फाइव बाय ट्वेल्व सेमी कोलन कॉस ऑफ, रैंडमली लिखा तो भी चलेगा, सेवन पाई बाय फोर प्लस आई साइन सेवन पाई बाय फोर सेमी कोलन कॉस ऑफ सेवनटीन पाई बाय ट्वेल्व प्लस आई साइन सेवनटीन पाई बाय ट्वेल्व, ऐसे करके आपको नेक्स्ट एक दो तीन भी साइमल्टेनियसली लिखने पड़ेंगे। ऐसे कोलन सेमी कोलन डाल डाल के आप लिखोगे तो फाइनल स्टेटमेंट कैसा होता है, अगर आपने कुछ इधर गड़बड़ भी कर दी है, समझो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन फाइनल स्टेटमेंट जो है आपका वो आपने सही से अच्छे से नीचे लिखा है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, एग्जामिनर के पास इतना टाइम तो होता नहीं है, बीइंग इन फर्स्ट ईयर ऑनलाइन ही पेपर चेक होते हैं बिकॉज स्कैनिंग एंड गोइंग ओवर देयर, वो बाहर चेक होता है आपका, यूनिवर्सिटी पेपर सेट करता है, तो उसके हिसाब से वो यहाँ पे जल्दी जंप नहीं करते देसी। हाँ, आपने स्टेप इनिशियलाइज किए सही से, आपने स्टेप सब्स्टिट्यूट किए, के की क्या वैल्यू डाली, फाइनल स्टेटमेंट क्या है, यू आर डन विथ योर सम। ओके, तो इस हिसाब से हमने चार सम देखे और चार सम हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट फोर सम्स ये टॉपिक के ऊपर, और ये जो टॉपिक है रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, बट है चीजें बहुत सारी है इसके अंदर। एक और सेशन होगा एंड देन हम चले जाएंगे यूज ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ऊपर। ओके, तो और दो सेशन लगेंगे पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट होने में, या फिर एक सेशन एंड देन वी विल जंप इनटू लॉगरिथमिक एंड हाइपरबोलिक कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन एंड लेट अस प्रैक्टिस टुगेदर। ओके।